चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनफाइनाइट चार्जेस आर लाइंग एट एक्स इज इक्वल टू 1248 मीटर ऑन एक्स एक्सिस। द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज इज क्यू। द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो ड्यू टू दीज चार्जेस विल बी रिस्पेक्टिवली। अच्छा, सबसे पहले एक्स एक्सिस बनाते हैं और एक्स एक्सिस ये बना लिया हमने। यहां पर x इज इक्वल टू जीरो है, यहां x इज इक्वल टू वन है, यहां x इज इक्वल टू टू है, यहां पर x इज इक्वल टू फोर है और यहां पर x इज इक्वल टू एट है। यहां पर एक चार्ज रखा है q, यहां एक चार्ज रखा है q, यहां एक चार्ज रखा है q और यहां एक चार्ज रखा है q, ठीक है। और O पॉइंट है x इक्वल टू जीरो। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। तो सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और पोटेंशियल का होता है के क्यू अपॉन आर। तो O पॉइंट पे सभी चार्जेस की वजह से, क्योंकि ये कंटिन्यू कर रहा है, आगे भी होगा चार्ज, इन्फिनिटी तक है क्योंकि डॉट 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 दिया हुआ है। तो देखो O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे? के कैपिटल क्यू अपॉन वन का स्क्वायर प्लस के कैपिटल क्यू अपॉन टू का स्क्वायर प्लस के कैपिटल क्यू अपॉन फोर का स्क्वायर प्लस के कैपिटल टू अपॉन एट का स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फिनेटिव। इसमें कॉमन क्या है? के क्यू कॉमन है, ले लो। तो वन अपॉन वन का स्क्वायर वन रहने दो, वन अपॉन टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, वन अपॉन फोर, वन अपॉन फोर का स्क्वायर सिक्सटीन हो जाएगा, वन अपॉन एट स्क्वायर 64 हो जाएगा। और ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हो गया, ध्यान से देखो। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में अगर ए फर्स्ट टर्म होता है और कॉमन रेशियो, जिसको ज्योमेट्रिकल रेशियो कहते हैं, कॉमन रेशियो अगर आर है और इन्फिनेटिव टर्म का सम निकालना है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में सभी इन्फिनेटिव टर्म का सम निकालना है, तो फॉर्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर होता है, ठीक है। तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी है? 1 है, आर की वैल्यू 1/4। तो ये अप्लाई करें अगर यहां पर, तो क्या हो जाएगा? के क्यू ए ऊपर हो गया, 1 माइनस 1/4 ये हो गया, तो क्या आएगा? ये 3/4 हो जाएगा, नीचे 3/4 ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 4 के क्यू बाई 3 हो जाएगा और 4 इंटू के 4 बाई 3 इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 होता है इंटू क्यू, तो 3 से ये कटा 3, ये 12 आ जाएगा। तो ओ पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 12 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू क्यू। ये ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बाकी सब में तो है नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू, ठीक है। ये आंसर होना चाहिए, तो पोटेंशियल भी इतना ही आना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं पोटेंशियल का। पोटेंशियल ओ पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू बाई 1 प्लस के क्यू बाई 2 प्लस के क्यू बाई 4 प्लस के क्यू बाई 8 प्लस डॉट 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 इन्फिनेटिव। इसमें भी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का फॉर्मूला आप लगाओगे, कैसे लगाओगे? के क्यू कॉमन ले लो, आएगा 1/1, 1 होगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। यहां पर ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म 1 होगा, कॉमन रेशियो 1/2 होगा, लगा दो अप्लाई कर दो, ठीक है। क्या होगा? के क्यू इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1/2, ये कितना हो जाएगा? 2 के क्यू क्यों नहीं लिख रहा, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 2 के क्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा, k की वैल्यू रखो 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू क्यू 18, 18 इंटू 10 पावर 9 इंटू क्यू, इसमें 1.8 10 पावर 10 कर रहा है, तो 1.8 कर दो, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो एंड मल्टीप्लाई कर दो, 10 टू पावर 10 हो जाएगा, क्यू हो जाएगा वी नॉट। तो ओ पॉइंट पे यानी x इक्वल टू जीरो पे पोटेंशियल इतना हो जाएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।